लगता है कि आपकी परेशानियां बहुत बड़ी हैं और उनको दूर करना आपके लिए संभव नहीं, तो कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार दिव्यांग ममता के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर ले। साल 2021 में कोरोना के कारण उन्होंने अपने पति को खो दिया, जिसके बाद उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक हालात तो पहले से ही खराब थे, लेकिन पति के चले जाने के बाद स्थिति और भी बेकार हो गई। जिस कंपनी में ममता नौकरी करती थी, वहां से ममता को निकाल दिया गया। अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें, ये परेशानियां उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो गई। लेकिन ममता ने इन परेशानियों का मुकाबला करना उचित समझा और उन्होंने अपने पति द्वारा खरीदी गई ई रिक्शा को अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। लेकिन उनको ई रिक्शा चलाना नहीं आता था, जिसके बाद पड़ोसी रिक्शा चालक ने उनसे कई महीने ई रिक्शा चलाने का अभ्यास करवाया और उसके बाद ममता रिक्शा लेकर फरीदाबाद की सड़कों पर उतर गई। पति के मरने के बाद आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानियों के बावजूद भी उसने अपने आप को घर चलाने के काबिल बनाया।